प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे सारिआं दा अज दे लैक्चर दे विच स्वागत है। अज आपां तुहाडी क्लास प्लस वन दा जिहड़ा नाइनथ चैप्टर है सीकुएंस एंड सीरीज उसकी एक्सरसाइज 9.3 है जिहड़ी वह करन जा रहे हैं। यह एक्सरसाइज है बच्चे सम टू एंड टर्म्स ऑफ स्पैशल सीरीज के उपर बेस्ड है। आपां पहला जिहड़ा 9.1 ते 9.2 दे विच जिहड़ा आपां सम सिख्या सी वह अरिथमैटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, ते ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन का सम है आपां किवें फाइंड करना सीगा वह सिख्या सीगा। इस एक्सरसाइज दे विच अपने कोले जिहड़ियां सीरीज़ गिवन होणगियां उन्हां दे विच वह ना तो ए पी फॉर्म हो रही होणगियां ना ही जी पी। सो ये स्पैशल केस है जिन्हां नूं आपां ये जिहड़े तीन फॉर्मूले जिहड़े तुहानूं सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इन्हां नूं यूज़ करके आपां वह उन्हां नूं उन्हां दा जोड़ करना आपां सिखांगे, ठीक है जी। सो सब तो पहले आप चलते हाँ अपने पहले फॉर्मूले वाल, ठीक है। आप तुहानू जिहड़ा बच्चे इत्थे फस्ट फॉर्मूला शो हो रहा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन अप टू एन, सब तो पहले आप इस फॉर्मूले पर चलते हाँ। सो अपने को बच्चे सब तो पहला जिहड़ा फॉर्मूला है वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन प्लस एन, ये बच्चे इनकी ए जिहड़ी फस्ट टर्म है तो ये ए पी फॉर्म हो रही है डी वन है तो टोटल टर्म्स अपने को जिहड़ियां एन है तो जिहड़ा इनका एस एन का फॉर्मूला आपां ए पी बन रही है जिहड़ी एन बाय टू ए प्लस एल वाला जिहड़ा आपां पढ़िया होया टेंथ विच भी, इत्थे एन की वैल्यू एन ही है बच्चे, ठीक है, ए की वैल्यू इत्थे वन है तो एन की वैल्यू एन ही है, इतने नंबर ऑफ टर्म्स जिहड़ियां अपने को जंग लास्ट टर्म वो एन है, ठीक है। ए अपने को इतने वन सी बच्चे डी कॉमन डिफरेंस अपन ईजीली पता लग ही रहा टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन, सो कॉमन डिफरेंस इज़ वन, लास्ट टर्म अवर लास्ट टर्म इज़ एन, सो देयर फोर जिहड़ा इन दे सम दा फॉर्मूला बनया एन एन प्लस वन अपॉन टू बनया। सो एक तो अपने को रिजल्ट आ गया बच्चे पहला, ठीक है जी। अगे नैक्सट जिहड़ा सैकेंड सीगा अपने को रिजल्ट स्केयर वाला, ठीक है, वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर इन दे चलते हैं। वन द स्केयर प्लस टू द स्केयर प्लस थ्री द स्केयर सो ऑन प्लस एन द स्केयर, ठीक है बच्चे आप इनू इंज भी लिख सकते होंगे इतने सपोज के द स्केयर पा लीए के वेरी फ्रॉम वन टू एन, सो ये सारे आप टेंथ विच भी समेशन का सिंबल सीखा होया, ठीक है, इनू सिगमा भी कह देंगे जिनका मतलब जोड़ हों वा। सो जिमें जिमें आप के वन भरेंगे वो एक का वर्ग आ जूगा, एक के दो भरेंगे दो का वर्ग, के तीन भरेंगे सो हूँ इस तरह चलते जावे। सो वो समेशन का मतलब सम हों वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस एन स्केयर है जी टर्म ते को आजगी। हूँ इनका रिजल्ट आप किवें एसटैबलिश करना बच्चों, ठीक है, इन्हें वास्ते आप एक आइडेंटिटी है जी कंसिडर करनी है, ठीक है, ते सामने उपर आइडेंटिटी जी शो हो रही है के क्यूब माइनस के माइनस वन का क्यूब, ठीक है जी। ए जो आप ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ला के इनू सिंपलीफाई करा, ठीक है, ये तुम ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये सिंपलीफाई करके तो थ्री के स्केयर माइनस थ्री के प्लस वन आ जूगी। सो ये आइडेंटिटी है तुसी इस रिजल्ट इस्टैबलिश करने यूज़ करनी है, ठीक है। हुण सब तो पहला आपां इहदे विच के हुण आपां रिजल्ट नूं है जिहड़ा वो ड्राइव करन जा रहे हैं के वन टू थ्री अप टू एन टर्म्स तक आपां इहदे विच फिल करांगे। हुण सब तो पहला जदों के वन भरी बचे हो अपने कोले की आ जाना वन दी क्यूब माइनस वन दी क्यूब इत्थे थ्री वन स्केयर माइनस थ्री वन प्लस वन आ जाना के वन भरी ये तुहाडे कोले की टर्म बन गई वन क्यूब माइनस वन जीरो दी क्यूब थ्री वन द स्केयर माइनस थ्री वन प्लस वन इन्हू मैं मल्टीप्लाई नहीं किया अगे अपन ने यूज़ होना ता करके इनू मैं इत्थे थ्री इंटू वन करके थ्री नहीं लिखिया। हुण के जो टू भरांगे इहदे विच के टू भरी उपर जिहड़ी अपनी कोल आइडेंटिटी है टू दी क्यूब माइनस टू माइनस वन वन दी क्यूब थ्री
टू दी स्केयर थ्री इन टू टू प्लस वन। सिमिलरली आपां जदों के थ्री पर आंगे थ्री दी क्यूब माइनस टू दी क्यूब थ्री थ्री दी स्केयर माइनस थ्री इन टू थ्री प्लस वन ए आ गया। सो ए प्रोसेस एवें ही चलता जाऊगा, ठीक है जी। इस तरह ये प्रोसेस सो ऑन जो के एन पर आंगे अपने को आजूगा इतने एन दी क्यूब माइनस एन माइनस वन दी क्यूब थ्री एन स्केयर माइनस थ्री एन प्लस वन। सो ये आइडेंटिटी दे विच आपां के वन टू थ्री अप टू एन तक वैल्यूज है जिहड़ियां फिल कर लिया। हुण एडिंग बोथ साइड एडिंग बोथ साइड जो आप इन्हों बच्चों ऐड करा मैं इधर लैफ्ट हैंड साइड विद लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड विद राइट हैंड साइड ऐड करा इन्दे नाल कैंसल बच्चों टू क्यूब इन्दे नाल कैंसल, ठीक है। सिमिलरली ये जी टर्म है तुहाडे कोले इस तो पहला जो आप के एन माइनस वन इत्थे फिल करा एन माइनस वन दी क्यूब, ठीक है, माइनस एन माइनस वन टू इतने आजूगा एक घट के ए टर्म इन्दे नाल कैंसल आउट हो जूगी, ए उस तो पहले ही कैंसल हो जूगी, ठीक है। ए इधर अगे इन्दे नाल इतने आऊगी थ्री क्यूब उन्दे नाल कैंसल हो जूगी। कहने का मतलब तुहाडे कोले बच की जाना है, एक तो माइनस जीरो की क्यूब बच जानी है, एक एन की क्यूब बच जानी है। इनू लैफ्ट हैंड साइड पर की आजूगा एन क्यूब माइनस जीरो इक्वल्स टू इधर जो ऐड करा बच्चे आ जो पोर्शन है पहला स्केयर वाली टर्म्स देखो पहला इन्ह टर्म्स को मैं ऐड कर लगा इन्हों थ्री कॉमन आ रहा सारे विचों थ्री कॉमन कढ़िया मैं अंदर की बजूगा वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर सो ऑन प्लस एन स्केयर आजूगा माइनस थ्री इधरों भी थ्री इन्ह हूँ आ टर्म्स की वारी आ गई इन्हों थ्री कॉमन माइनस थ्री मैं कॉमन कर लिया अंदर सारिया प्लस दी हो जाएगी वन प्लस वन प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस एन, ठीक है बच्चे। अगे नैक्सट वन नू ऐड करांगे वन प्लस सो ऑन वन एन टाइम्स, ठीक है जी। हुण इहनू सिंपलीफाई करिए आपां एन क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री इंदा मतलब बच्चों मैं तुहानू हुणे उपर दस के आया इंदा मतलब आपां की मान लीए इहनू के रन फ्रॉम वन टू एन के स्केयर, ठीक है। इंदा रिजल्ट आपां उपर कर ही आए हैं मैं तुहानू हुणे दस के आया सीगा रिजल्ट इंदा की हुंदा एन एन प्लस वन अपॉन टू वन नू आपां एन टाइम्स ऐड करांगे की आजूगा बच्चे ओ एन जे दस नू आपां एक नू दस वारी जोड़िए दस आऊगा एक नू वी वारी जोड़िए वी आऊगा। सिमिलरली जे एक नू एन वारी जोड़ांगे की आजूगा एन ही आजूगा। सो उस तो बाद नू आपां सिंपलीफाई करदे हां हुण एन आ टर्म्स आ जिहड़ियां आपां दोवें उधर लै जाइए ए प्लस एक मैं आ टर्म उधर लै गया एक इह एन आ जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड वल लै गया थ्री एन एन प्लस वन अपॉन टू ओ एन माइनस का हो गया इक्वल्स टू थ्री समेशन के रन फ्रॉम वन टू एन के स्क्वेयर। अगे नैक्सट चलते हैं राइट हैंड साइड इधर लैफ्ट हैंड साइड वाल लिख के आप सोल्व करते हैं के रन फ्रॉम वन टू एन के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू इधर आप सिंपलीफाई कर लिए हूँ बच्चे एन कॉमन आ रही है सारे के विचों एन कॉमन कढ़ लिए अंदर एन स्केयर प्लस थ्री एन प्लस वन अपॉन टू माइनस वन रह गया। अगे चलिए हुण एन टू एलसीएम लै लिए टू एलसीएम लै लिया इत्थे टू एन स्केयर प्लस इतने थ्री एन प्लस थ्री तो माइनस टू है बच्चे ये आ जाना। अगे नैक्सट एन
अगे लिखते हैं, नीचे लिख लें, ये तो कोल एन 2n स्केयर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है जी, नैक्सट चलते हैं, ये फैक्टर मान रहे हैं बच्चे, हूँ क्वाटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म स्प्लिट कर लिए, 3n नूं आपां 2n प्लस n, ये आपां 10th दे विच सिखियां होईआं, लोअर क्लास 8th 9th विच भी ये आपां क्वेश्चन दे नाल दे फैक्टर बनाउण वाले कीते होए आ। अगे नैक्सट n 2n कॉमन, n प्लस 1 इहदे विचों 1 कॉमन, n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया बच्चे। अगे नैक्सट n सारे दे विचों n प्लस 1 कॉमन, 2n प्लस 1 अपॉन 2, ये अपने को किंदे इक्वल सीगा 3 समेशन k रन फ्रॉम 1 टू n k स्क्वेयर, 3 मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड कर दिए जाके, हुण n n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। सो ये बच्चे अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, जिहड़ा कि आपां क्वेश्चन सोल्व जिहड़ी एक्सरसाइज क्वेश्चन जदों सोल्व करांगे उन्हां विच आपां वरतांगे, इहनूं आपां इहदे बराबर भी है जिहड़ा लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगे ये अपने दो रिजल्ट हो गए, थर्ड रिजल्ट है जिहड़ा तुहाडे कोले ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਕੇ ਰਨ ਕੇ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਐਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਕਿਊਬ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ, 1 ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 3 ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ ਸੋ ਔਨ ਐਨ ਕਿਊਬ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇ ਰਨ ਫਰੋਮ 1 ਟੂ n ਅਤੇ k ਦੀ ਕਿਊਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ n n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 2 ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰ, ਜਾਂ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਇਹ ਫੋਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ n ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ k ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰ, ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ n ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ k ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, 1 ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ ਸੋ ਔਨ ਪਲੱਸ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 2 ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਆ ਉਹ ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 2 ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 6 ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 2 ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 3 ਕਿਊਬ ਸੋ ਔਨ ਪਲੱਸ ਐਨ ਕਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਐਨ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 2 ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਏ ਪੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਨਥ ਟਰਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਥ ਟਰਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਥ ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਨ ਆ ਜੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਏ ਐਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏ ਵਨ ਪਲੱਸ ਏ ਟੂ ਪਲੱਸ ਏ ਥਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਐਸ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਟੂ ਐਨ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ, ਦੂਜੀ ਰਕਮ, ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਐਨ ਐਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦੀ ਐਸ ਐਨ ਆਜੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਥ ਟਰਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਐਨ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਐਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਥ ਟਰਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਏ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇ ਰਨ ਫਰੋਮ 1 ਟੂ ਐਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਥ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਫਾਇੰਡ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ।
सब तो पहला आप nth टर्म फाइंड करने लिए तुसी की देखो इतने इतने मैं आ लिखदा वन इंटू टू जी अपन सीरीज गिवन है टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू फाइव सो ऑन इनकी आप फर्स्ट टर्म इतने देखिए वन टू थ्री फोर कहन का मतलब की है जी nth टर्म आऊगी उनकी फर्स्ट टर्म की बनी फिर अपने को एन इधर देखो दो तीन चार पाँच अगे छे कह मतलब एक तो अगे दो हों सो एक वद के आ रहा इतने दो सी इतने तीन आया इतने तीन सी इतने चार आया एक रकम वद के आ रही है जे इतने अपने को एन है एन तो एक वद के की होगा एन प्लस वन दूजा तरीका की है तुसी इन्दे विचों तुसी वन आ जिहड़ियां वैल्यूज है फर्स्ट जिहड़ियां तुहाडे कोल टर्म्स आई हैं उन्हां दे विच जिहड़ा पहला रकम आई है एक दो तीन इन्हां नूं तुसी चक लो ठीक है हुण ए की बन रहा अपने को ए पी बन रही है इनकी ए वन है तो डी वन है इनकी nth टर्म फाइंड करन दा फॉर्मूला की हुंदा सी अपने को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए की वैल्यू वन एन माइनस वन डी की वैल्यू भी वन इनू जे आप सिंपलीफाई करिए कैंसल ए एन कि आ गई एन एक तो जी अपने को सीरीज़ आई होंगे जी फस्ट टर्म सगिया वन टू थ्री फोर उन nth टर्म की फस्ट टर्म अपने को आ गई सिमिलरली जे आप टू थ्री वाली चक्की हूँ टू थ्री फोर फाइव सो ऑन इनकी ए कि है टू डी कॉमन डिफरेंस वन आ रहा nth टर्म उ ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू प्लस एन माइनस वन आ टू के वन सबट्रैक्ट किए ही आ गया एन प्लस वन आ गई तो आप इतने उ चीज़ ही बनाई है कहन का मतलब तो को जी ए एन है वह की आ गई एन इंटू एन प्लस वन हूँ आप फाइंड करना इतने आप एस एन फाइंड करना आपको पता इन आप थोड़ा जहा सिंपलीफाई करके लिख लीए एन स्केयर प्लस एन बन गया वो की हों समेन ए एन हों इतने ए एन की वैल्यू फिल कर दी है ठीक है जी ए समेन एन स्केयर अलग हो गया समेन एन अलग हो गया मैं तुम हमने दस के आया समेन एन स्केयर का फॉर्मूला इनका मतलब आ भी हों ठीक है बच्चो इधर समेन एन का मतलब अपने को होंगे सो कह मतलब कि इनका रिजल्ट आप करके आए थे हमने एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस इधर की किया एन एन प्लस वन अपॉन टू इन्हों कॉमन आ रही है जी सिक्स आप लिख सकते हैं टू इंटू थ्री एक तो एन एन प्लस वन कॉमन आ गई इधरों भी उही कॉमन आ गई इधरों टू तो टू नीचे डिनोमीनेटर चो एन एन प्लस वन अपॉन टू अंदर इतने की बच गया टू एन प्लस वन अपॉन थ्री आता पूरी की पूरी रकम बहर आ गई सी वन बच गया इनू अगे फिर सिंपलीफाई कर दिए ए थ्री टू एन प्लस वन थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू वन थ्री एन एन प्लस वन अपॉन टू टू एन प्लस फोर अपॉन थ्री सो ए अपना आंसर आ गया टू उपरों कॉमन कढ़ सकते हो टू कॉमन कढ़ लो सिक्स ये कट्टे ही गए वो भावें सीधा ही कैंसल कर देंगे टू एक ही गल सी थ्री आ जाना सी सो इनका आंसर अपने को सिंपलीफाई करके की आ गया एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री ए आप कर लिया एस एन फाइन कर लिया जा कह लो जो आप वन प्लस टू इंटू टू इंटू थ्री सो ऑन जोड़ा सीरीज दिती सी उनका जोड़ है जोड़ा अपने को आ गया ठीक है बच्चे सो ये क्वेश्चन आप फस्ट है जोड़ा इस तरह करना सी नैक्सट क्वेश्चन हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर सैकेंड है जोड़ा आप वो कर जा रहे हैं सब तो पहला आप nth टर्म फाइंड करिए वन टू थ्री सो पहली रकम के इस प्रोडक्ट के जो पहला आया एक आया दूसरी रकम के दो आया फस्ट तो फिर तीन आया सो हूँ इस तरह ही चलते जावे अपने को एन आजूगा जिमें आप पहले ही गल करके आए हैं इतने दो तीन चार एक रकम वध के आ रही है एन तो अगे की आजूगा फिर एन प्लस वन तुसी इनू वक्रे वक्रे ए पी बना के भी लिख सकते हो फिर तीन चार पाँच मतलब एक तो बाद दो तो बाद तीन
एक तो बाद उस तो अगली रकम दो आई है, दो तो बाद उस तो अगली रकम आई है, कहने मतलब एन प्लस एक तो बाद जी अगली रकम आऊगी इन एक जोड़ लिए वो एन प्लस टू आऊगी। तुसी इन जिमें पहला आपां वन टू थ्री पहला आ वन टू थ्री इस ए टर्म्स चक लिए, इन ए वन है डी टू माइनस वन वन है, एंथ टर्म किमें फाइंड करांगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला ला के कैंसल हो गए आ एन आ गई। सिमिलरली आप जो सैकेंड टर्म जी प्रोडक्ट के आई है दो तीन चार दो तीन चार इन ए कितनी आई है तुहाडे कोल दो डी फिर तीन माइनस दो एक चार माइनस तीन तो भी एक ही है, सो ए एन किमें आजूगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इन सिंपलीफाई करके अपने को टू प्लस एन माइनस वन ए एन प्लस वन। इस तरह ही तुम जी थ्री फोर फाइव जिहड़ा ए सीकुएंस बन रहा है इनकी ए पी तुम फाइंड कर सकते हो वह कितनी आजू इनकी एंथ टर्म तुम फाइंड कर सकते हो वह एन प्लस टू आजूगी। कहने का मतलब की होया जी अपने को एंथ टर्म बनी वो आ जी बन गई ठीक है। इनू हूँ आप अगर फरदर सिंपलीफाई करते हैं अपने को जी एंथ टर्म है वह एन एन प्लस वन एन प्लस टू बनी। इनू आप सिंपलीफाई करिए जे एन नू पहला अंदर प्रोडक्ट कराइए एन स्केयर प्लस एन आजूगा एन प्लस टू फिर एन स्केयर नू एन प्लस टू नाल मल्टीप्लाई करिए प्लस एन एन प्लस टू एन क्यूब प्लस टू एन स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस टू एन आजूगा। ये तुहाडे कोले एन क्यूब प्लस थ्री एन स्केयर प्लस टू एन आजूगा ए एन आ गई। हूँ आप एस एन फाइंड करिए विच इज़ इक्वल्स टू समेशन ए एन की वैल्यू फिल करिए एन क्यूब प्लस थ्री एन स्केयर प्लस टू एन समेशन अलग अलग कर लिए एन क्यूब का समेशन अलग थ्री बार इतों एन स्केयर इतों टू बार समेशन एन इन रिजल्ट आप स्टार्टिंग करके आए हैं। इनका फॉर्मूला की सी एन एन प्लस वन अपॉन टू पूरे का स्केयर प्लस इनका फॉर्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस टू एन एन प्लस वन अपॉन टू। सो ये तीन फॉर्मूले जो आप करके हैं स्टार्टिंग से अप्लाई कर लेना कॉमन कढ़ीए एक इन कॉमन की आ रहा सारिया टर्म्स एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन आ रहा। हुण जदों इन एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन कढ़िया उपर स्केयर सी एक अपने को एन एन प्लस वन बाय टू ए बच गया सिक्स नूं आपां टू इंटू थ्री लिख सकते हैं एक तो आ टर्म बाहर चले जानी है कॉमन तो एक टू बाहर चले जाना अंदर की बच जाना थ्री टू एन प्लस वन बाय थ्री बच जाना अपने को इत्थे कल्ला टू बच जाना ठीक है। अगे चलते हैं ये आप एलसीएम ले लिए सिक्स टू नू सिक्स से डिवाइड किया थ्री इतने थ्री एन एन प्लस वन आजूगा थ्री नू सिक्स से डिवाइड किया टू थ्री टू का सिक्स टू एन प्लस वन प्लस सिक्स टू का ट्वेल्व ठीक है जी। अगे नैक्सट चलते हैं इन सिंपलीफाई कर लिए हूँ थ्री एन स्केयर प्लस 3n प्लस 6 टू द 12n प्लस 6 प्लस 12 अपॉन 6 ए 12 ते 3 15n आ गए 18 आ गए अपने कोले थ्री का टेबल अपने को कॉमन आ रहा तीन पंद्रह से अठारह तीन के भाड़े चाहिए रकम यह थ्री कॉमन कढ़ दिए एन स्केयर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स अपॉन सिक्स आ कैंसल हो गए टू आ गया। अगे चलते हैं एन एन प्लस वन बाय टू ये फैक्टर बना लिए एन बाय टू यह अपने को अंदर फैक्टर बना लिए मिडल टर्म स्प्लिट करिए फाइव एन आप थ्री एन प्लस टू एन लिख लिए तीन तो दो पांच तीन दूनी छे
थले कैंसल आउट हो गए, टू आ गए सके अगे, एन एन प्लस वन इन एन कॉमन, एन प्लस थ्री आ गया उधरों प्लस टू कॉमन, एन प्लस थ्री आ गया नीचे टू टू द फोर इतने ब्रैकट पालीए, हम सारे दे एन प्लस थ्री कॉमन आ गई, अंदर की रह गया एन प्लस टू रह गया, सो ये अपना आंसर है जिहड़ा आ गया। ये क्वेश्चन आपां इस तरह सोल्व करना सी, अगे होर क्वेश्चन है जिहड़े इहदे नाल दे आ, सो ये क्वेश्चन तुसीं ध्यान नाल इहनू देख लियो ये किवें सोल्व किया। हाँ जी, बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, सब तो पहला तो इहदी आपां थ्री फाइव सैवन, थ्री फाइव सैवन इनकी ए कि आ रही है थ्री, बी इनकी कि आ रही है फाइव माइनस थ्री टू, इनकी ए एन फाइंड करिए, टू टू का डिफरेंस है ए पी है, इनकी एंथ टर्म की आजगी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए की वैल्यू थ्री, एन माइनस वन डी इज टू, थ्री प्लस टू एन माइनस टू, टू एन अगे लिख लिए थ्री माइनस टू प्लस वन, कहन का मतलब है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਰਮ ਐਂਥ ਟਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟੂ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਸਕੇਅਰ, ਅਗਲੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਵਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਟੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਥ੍ਰੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਐਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਐਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। तो तुहाडे कोल जिहड़ी एंथ टर्म बनी टू एन प्लस वन इंटू एन का स्केयर, इन सिंपलीफाई करिए टू एन की क्यूब प्लस एन स्केयर, हूँ समेशन, ये बच्चे तुहाडे लई मैं होमवर्क छड रहा इत्थों, हूँ एस एन फाइंड करना, समेशन ए एन, सो ये फॉर्मूले तुसीं अप्लाई कर लेने, मैं समेशन अलग अलग करके इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਐਂਥ ਟਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਏ ਬੀ, ਇਹ ਫੋਰ ਐਨ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੋਰ ਐਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਐਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਏ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਐਨ, ਨਾਓ ਐਸ ਐਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਏ ਐਨ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਏ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੋਰ ਐਨ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 9.3 ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰੀਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਸੋ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੋਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।